हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो अभी तक हम लोग उसमें दो चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें बात करने वाले संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में। एक बात हमेशा याद रखिए कि इन सभी अध्याय को अच्छे से पढ़िए, लास्ट में आपका जो भी निष्कर्ष होता है, यानी कि इस चैप्टर का जो भी निचोड़ होता है उसे बता दिया जाता है। ठीक है, तो धैर्य के साथ आपको सुनना है, धैर्य रखकर। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक या फिर कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। आपने कुछ वस्तुओं की कृत्रिम चिन्ह को कृत्रिम चिन्हित किया हो। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मानकों के हाथ में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मार्ट करने का प्रयास कीजिए इस तरह से। कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर जो आपका शब्द है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अतः है एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार रेयॉन। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया है। रेशम रेशों से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इनकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर विज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रियोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया आपका। यद्यपि रियोन प्राकृतिक रेशे प्राकृतों से स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है आपका। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों से रंगा भी जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या फिर आपका गलीचा बनाते हैं। रेयॉन निर्मित वस्तुओं का चित्र देख लीजिए। नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया था। क्या है? नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे आपका 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुल
बहुत विचलित होते हुए, क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्ते बना सकते हैं? हम लायनॉन नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे हो गए, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का बुर, ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, सैन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक लान नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। देखिए इस तरह से क्रियाकलाप 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए। चित्र 3.5 में प्रदर्शित है मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बांट रखे जा सके। पल्ले में एक एक करके बांट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे का सामर्थ्य बताता है। यह भार रेशे का सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम, नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए। आप रेशों या धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुक अथवा कील का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर पॉलीथिन की थैली पर बांध सकते हैं। बांटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। याद रखिए, जो भी इस तरह के क्रियाकलाप हुआ करेंगे उन्हें पढ़ के निकल जाना है, ठीक है? इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। पॉलीस्टर और एक्रेलिक। पॉलीस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है आपका। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह बस सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। पेट। पॉलीथिन एथिलीन टर्थिलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। पेट चारों ओर दृष्टि घुमाइए, पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। पॉलिस्टर पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीबूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, पॉलीकोट और पॉलीएस्टर, और कपास का मिश्रण है। पॉलीबूल पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण है आपका, ठीक है? पॉलीकोट है जो पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉली बूल है जो ऊन, ये पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा साल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सादृश्य दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं, क्रियाकलाप 3.6 कक्षा आपने 7वीं में देखा था। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं।
यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्तुओं में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है, वो पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोईघर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध विक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। बात करते हैं हम लोग संश्लेषित रेशों की गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो उन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ऐसे सूखते हैं और अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। क्रियाकलाप 3.2। एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए, दूसरा आपका संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं आप लोग। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पत्रों से निकाल लीजिए। उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों की गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिर स्थायी टिकाऊपन, मूल और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुएं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुएं उनके उपयोग की सूची बना सकते हैं। संश्लेषित रेशे की तरह ही आपका प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह त्रयकबद्ध यानी कि क्रॉस बद्ध होती है। रेखीय, ये आपका रेखीय हो गया, ये आपका क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं भी। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं। देखिए इस तरह, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात से कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर छिद्रों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। और इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। आपके बाल्टी देखो, कुर्सी, गिलास, पॉलीथिन, पॉली प्लस एथिन, एथीन प्लास्टिक का एक आपका उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथिन थैलियां बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या आप सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? जी, आपने देखा है कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथिन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर देखें हम लोग तो कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण है इसके, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच
विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता है इसमें। यह फर्श की टाइलों, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग को दर्शाया गया है। देख लीजिए, यह आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तु है, यह आपकी थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तु है। ठीक है, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा समर्थ और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिरना प्रारंभ करें तो हम कर सकते हैं। आइए अब प्लास्टिक के अभिलक्षणिक गुणों की विवेचना करें। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। प्लास्टिक अनभिनविक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसे धातुएं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करती, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल, चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। जिस पदार्थ की बनी बाल्टियां मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं, प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में डाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों, घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बना सकते हैं आप, जो दैनिक उपयोग में, जीवन में उपयोग करते हैं। प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। प्लास्टिक के, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार की चिकित्सीय यंत्र, माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के लिए पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है आपको। अग्निशय प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथिन जैसे थैली से में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे आपके जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं आपकी जैव अनिम्नीकरण करणीय कहलाते हैं। ये आपके अपशिष्ट के प्रकार हैं
अभ्यासित होने में लगने वाला समय है और पदार्थ की प्रकृति है। सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, इसे अभ्यासित होने में आपका 1 से 2 सप्ताह लगता है और यह आपका जैव निम्नीकरण पदार्थ की प्रकृति है। कागज 10 से 30 दिन जैव निम्नीकरण है। सूती कपड़ा 2 से 5 सप्ताह जैव निम्नीकरण। लकड़ी 10 से 15 वर्ष जैव निम्नीकरण। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष जैव निम्नीकरण। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष जैव अनिम्नीकरण करनी है। प्लास्टिक थैलियां कई वर्ष जैव अनिम्नीकरण करनी है, इसीलिए आपकी ये समस्या बनी हुई है। आगे बात करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अवघटित होने में कई वर्ष लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है, पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पदार्थ पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण करनी है और जैव अनिम्नीकरण करनी है। अब अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में सरकार ने भी बैन की थी पॉलिथिन प्लास्टिक, इसलिए अपने घरों में व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुलझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकें। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बना सकते हैं। पुनः चक्रण के लिए समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो रहा है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5 बार सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूज, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, और उपयोग ना करना, रिफ्यूज रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु विशेष रूप से गायें कचरा खा रही हैं? खाद्य अवशिष्ट खाने के विक्रम में पशु पॉलीथीन की थैलियों और खाद्य पदार्थों के रह पर भी निकल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही देखते हैं। चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं, बता सकते हैं? मैंने हमेशा आप लोगों को से बताया है कि अगर इंसान दो काम सीख जाए तो आधा देश हमारा सुधर जाएगा, वो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। पहला मूल कर्तव्य, दूसरे मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो क्या होता है कि अधिकतर लोगों को मूल अधिकार तो अपने पता होता है, लेकिन वो अपने मूल कर्तव्य भूल जाते हैं। रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियां जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकी। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला ले जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या देख लिया? एक्रेलिक, कृत्रिम रेशम, नाइलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथिन, रेयॉन, संश्लेषित रेशे, टेरिलिन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। और इन्हीं शब्दों के बारे में जानना था, ठीक है? अगर आपने अच्छे से अध्याय सुना होगा तो
तो इन शब्दों की परिभाषा देने में सक्षम होंगे। अब इसका निष्कर्ष बता दिया जाता है, आपने क्या सीखा है इस अध्याय में। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों में से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रोरसायन के रासायनिक विक्रण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे रस्सी, बाल्टियां, फर्नीचर, पात आदि से लेकर वायुयान, जलयानों, अंतरिक्षयानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जा सकता है। संश्लेषित रेशों के बेहद निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रियोन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल चिर स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या परिवार, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है, जलाने पर ये विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अवभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव आनिम्नीकरण करणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। ये आपके इसी अध्याय से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें देख लेना, ठीक है। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड कर रख लें। क्या कर लें? डाउनलोड कर रख लें। अच्छे से पढ़िए और निकल जाइए, क्योंकि ज्यादा टाइम भी इसमें आपको नहीं खपाना है। क्या आप जानते हैं नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। एक नई रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्वयुद्ध यानी कि 1939 से 45 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार लाइन नायलॉन उपद्रवी हो जाते थे। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। चौथे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में जानेंगे।